लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हमारे लोग तुम्हें एक जगह ले जाएंगे। वहां पे क्या करना है, क्या बात करनी है, सब बताएंगे। 5 साल पहले हुए रेप्स, मर्डर्स, रॉबरीज, ये सब करने वाले तुम लोग ही थे। ये तुम्हें कबूल करना होगा। प्रताप सर, इन सब का स्टेटमेंट ले लो। जी सर। और जो घायल हैं उनका इलाज करवाओ। ठीक है सर। क्राइम इनेक्ट कराओ। ओके सर। कौन से जन्म में क्या पाप किया था हमने जो हमें ये झेलना पड़ रहा है पूरी दुनिया छोड़कर। क्या इन्हें सिर्फ हम ही मिले थे अपनी नफरत दिखाने के लिए? हमें ही क्यों मिल रही है ये सजा? कोर्ट में शायद हमें न्याय मिल सकता है ना, तो तब तक हमें जिंदा रहना होगा ना। तो खाओ खाओ। यही घर है ना? हाँ साहब, यही घर है। कैसे किया था बताओ? यही पर वो दीवार के पास। कहाँ पे? वहाँ पे। हाँ साहब, वहीं पर। उन्हें सब पता रहता था कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एक दिन घर में कोई नहीं था, तब उन्होंने अपना काम कर दिया। मैंने पीने के लिए पानी मांगा, वो अंदर जा रही थी, तब मलया ने उसे मार दिया। कौन? यही क्या? हाँ यही। ए, इधर आ। आ, कैसे मारा था तूने? वो साहब रॉड से मारा साहब। प्रताप सर, हथियारों का बैग कहाँ पे है? हाँ सर, यहीं पर है। ये सर, ये लो। कैसे मारा तूने? यही है। ये वाला कि ये वाला? यही है ना। प्रताप। ओके सर। कहाँ पे? आंगन में मारा या घर के अंदर मारा? साहब यहाँ पे। साहब जब वो लड़की जा रही थी तो मैंने आके उसका सर फोड़ दिया। कहाँ पे? साफ साफ बता। यही पे ना। उसके बाद? उसके बाद इस रूम की तलाशी लेके उस रूम में गया था साहब। जेवर कहाँ मिले दिखाओ। इसी ड्रायर में साहब। यही है ना? ठीक से देख के बता। यही जेवर है साहब। तूने क्या किया? पैसे मिले थे साहब, खर्चा कर दिया मैंने। चल दिखा। फिर उसके बाद? मलाया ने उस लड़की का फायदा उठाया साहब, उसके बाद हम दोनों ने भी उठाया फायदा। दोनों ने? तूने? पहले तूने किया? वो साहब पहले जो मारता है ना वही पहला फायदा उठाता है। तब तुम क्या कर रही थी? मैं यहाँ पर ऐसे बैठी थी। उसके बाद? उसके बाद वो दोनों ने आकर मुझे जेवर दिए। प्रताप। यस सर। यही जेवर थे ना? देख ए, उधर क्या देख रही है, यहाँ देख के बोल। यही जेवर थे ना? हाँ साहब। उसके बाद? उन्होंने दिया, मैं लेकर नीचे गई और खाना खाई साहब। उस लड़की का क्या किया? मलाया के जाने के बाद हमने उसका फायदा उठाया साहब। हाँ? उसके बाद मार दिया साहब। कैसे? वो चाकू। वो क्या है साहब, हमने उसके पल्लू को गले लपेट कर कस के कस दिया। हाँ, और वो मर गई। सही कह रहा है ना? हाँ सर। वो मर गई, ये तुम्हें कैसे पता चला? हमने उसे ऐसे देखा, वो सांस नहीं ले रही थी। प्रताप ठीक है, जाओ इन्हें। चलो। चलो चल। और साहब केम्पी। चलो केम्पी साहब केम्पी। कल जो कहा वो सब याद है ना? अब मैं तुझे जो बोलूंगा कल तू वैसा ही बोलेगी, समझ गई ना? हाँ साहब। मैंने घर के सामने जाके गेट खोल के अंदर जाके कॉलिंग बेल दबाया। कैमरा में देख, कैमरा में देख। अब बोल। अब मैं घर के सामने जाके गेट खोल के अंदर जाके कॉलिंग बेल बजाया। बेल बजाया साहब। वो लड़की आई, उसको
उसको हम पे शक हुआ लगता था साहब। अब लड़की के दरवाजा बंद करने तक गोविंद ने जाकर उसका मुंह बंद कर दिया साहब। और कैमरा देख के बोल, उसको उसके मुंह बंद करके उसके बाद उसका मुंह बंद करके वहां से उसे ले जाके झूले से बांध के उसके साथ एक एक ने रेप करके गला काट के मार दिया। बात समझ में आई ना? अब ऐसा ही बोल। उसके बाद उस लड़की को झूले से बांध के घर को लूटना शुरू कर दिया साहब। उसको मलया को वो लड़की पसंद आई, इसलिए उसने उसका फायदा उठाया साहब। चल चलो आओ। अब बताओ तुम लोगों ने क्या किया? हम इस रास्ते से चलकर आ रहे थे साहब, तो यहाँ पे हमें सामने लाओ माइक को, ठीक से रिकॉर्ड करो। हाँ तू बोलना। हमने पहले दूसरा घर देखा था साहब, और उस घर का बुजुर्ग मर गया था साहब। निराश होकर हम लोग लौट रहे थे तो ये घर दिख गया साहब। ठीक है, यही घर है ना जिसे टारगेट किया था? ये है ना? हाँ साहब, यहीं से जा रहा था साहब तो टीवी का साउंड आया। दोपहर में औरतें ही टीवी देखती हैं, इसलिए सोचा कि कोई आदमी नहीं होगा इसलिए इसी घर में घुसते हैं। इसने भी यही बात कही। इसने भी? अच्छा ठीक है, इस घर में पहले कौन गया? सर मैं कैसे गया था? फिर से जा, जल्दी जल्दी। हाँ जा जा सर। पहले चलो आगे जाओ। पहले मैं ऐसे ऐसे कूदा सर, उसके बाद मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की पर खुली नहीं सर। फिर मैंने वो वाली खिड़की से देखा तो अंदर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी सर। उसके बाद मैं आया तो ये गेट खुला हुआ था, तो मैंने इसको अंदर जाने को बोला और मैं बाहर चला गया। वो अंदर गया और मैं वहाँ बाहर जाकर उसका वेट करने लगा। चलो वो लड़की कहाँ पर थी ये बताओ। चलो साहब वो यहीं पर सोई हुई थी। उसका सर किस तरफ था ये बताओ। सर उस तरफ था? नहीं सर, इस तरफ ही था सर। इस तरफ मतलब टीवी के पास? हाँ सर, टीवी यहीं देख रही थी। हाँ। फिर तुमने क्या किया? उसके बाद स्त्री वहाँ पर रखी थी सर। अरे सुनो, आयरन बॉक्स लेकर आओ जल्दी। ठीक है सर। ठीक है, यही था, यही वाली स्त्री? हाँ, यही है सर, यही है। तूने कैसे मारा बता? इसे लेके पीठ पे रख दिया। ये स्त्री के बारे में उसके बाद क्या हुआ ये बता, आगे क्या हुआ आगे? वो लड़की यहीं नीचे गिर गई थी, उसके बाद मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। इसको लेके बाहर जा, बाहर जा, इसको लेके। हत्या की तारीख 6/4/1997 शाम के समय। हत्या का स्थान मक्कादुना गांव, नारायणी का क्षेत्र, पीजीपुरा गांव, मंडिया जिला, गुनेगर श्रीमती मुनियाप्पा, उम्र 32 साल। साहब कैमरा में देख के बोल। मलया, वेंकिया, गोविंदा, मदुरई, शनि भगवान। मदुरई नहीं, मधुरू बोल, मधुरू, मधुरू बोल, समझा? हाँ बोल। इधर कैमरा में देख। मधुरू शनि भगवान के मंदिर जाके आ रहे थे साहब। वैसे आ रहे थे तो वहाँ पे एक घर में अकेले एक औरत काम कर रही थी साहब, घर में अकेली थी साहब। उसे पकड़ के हमने उसका फायदा उठाया। पहले वेंकट सर ये झूठ बोल रहा है। पहले क्या कहा था वो बोल, सेनापू है ना? हाँ तो वो बोल। बोल। उसके बाद मैंने और वैंख्या ने किया था साहब। सब होने के बाद डीजल डाल के केरोसिन तेल, केरोसिन तेल, ठीक से बोल। हाँ साहब। बोल। हाँ साहब, उस पे केरोसिन ऑयल डाल के जला दिया साहब, जला दिया साहब। Hey, ये सारी बातें कल कोर्ट में ठीक से बोलना। हाँ बोलेगा ना? हाँ सर। हाँ प्रताप। hey, उठ उठ चल। hey, चल be careful, चल। कल कोर्ट में पेश करना। जा, पूरा वीडियो एडिट करके भेज दे। हाँ जाओ। प्रताप सर पहना। ले जाओ। चलो चलो। ए चल चल चल। साहब साहब, हमारे लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं साहब? हमको क्यों नहीं ले जा रहे हैं साहब? छोड़ दूंगा, तुम सबको शहर के बाहर ले जाके छोड़ देंगे, कहीं पे भी जाके जी लो। हर महीने पुलिस स्टेशन में आकर सबको साइन करनी होगी। याद रखना, हमारी नजर तुम लोगों पर रहेगी।
बाहर अगर तुमने कुछ भी गलत काम किया या अंदर में उन लोगों ने कुछ गलत किया तो सबका एनकाउंटर कर दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, हम रहेंगे तो उनके साथ ही रहेंगे साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो, ले जाओ इन्हें साहब, ऐसा मत करो साहब, नहीं साहब, नहीं बेटा साहब, ऐसा मत करो, अरे घात घोर भस्म विनाशे रिक्त चित्त वित्त रक्त राक्षसादि हरि बने चल चल जब बोलना चलने को चल ले आओ सर। आपको पता नहीं सर, सब इसी ने हमको धोखा दिया। जान से मार दूंगा तुझे, हमारी जान लेकर तो देखो साहब कैसे मजा ले रहा है। तेरा नाच रहा है, कभी भला नहीं होगा। तूने हम क्या किया हमारे साथ, तेरी वजह से हम सब फंस गए। क्या हुआ भाई? ए पुलिस वाले, इन लोगों को इतना कष्ट करके यहाँ क्यों लेके आए हो? इन्हें तो वहीं जिंदा गाड़ देना चाहिए था, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये इतना आसान नहीं है सर, ये दीपावली वाले पिस्टल नहीं है। हमें एक एक बुलेट की हिसाब देनी पड़ती है। रिवाज छूटना नहीं चाहिए, हिसाब का रिवाज छूटना नहीं चाहिए। हैंडल विद केयर। कल जब ये सब फेमस क्रिमिनल्स हो जाएंगे, उसका कारण सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, उसके पीछे आप भी हैं, ये इन्हें पता चलना चाहिए। इसीलिए इन सबको यहाँ लेकर आया। अब देखिएगा सर, मेरी जीत आपकी आंखों के सामने ही है। अरे आंखों के सामने क्या, कौन सा कोई मुझसे सबूत मांगने वाला है? मार डाल इन्हें, कोई पूछने वाला नहीं। अरे हमसे पूछने वाले हैं सर, ऊपर के अधिकारी, जज, लॉयर्स, रिपोर्टर्स, मीडिया वाले, उन सबको हमें जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे 15 लाख रुपए दे दीजिए, मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा सर। प्रताप सर, ले जाओ सर, चलो चलो चल जाओ, ले जाओ सबको, चलो चलो ले जाओ, चल चल। ए पुलिस वाले, पूरे पैसे एक साथ दूंगा, लेकिन काम पक्का हो जाना चाहिए। ये सारे क्रिमिनल्स हैं, ये साबित होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। चलता हूँ सर। ललाट चत्व चत्व रज्ज्वलस्य रावण स्फुलिंगमा गगन 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 ज्वलल ललाट दुष्ट मारका। जमीन हमारे पूर्वजों की जायदाद है और उस जायदाद पे हमारा पूरा हक है। हम लोगों को रख के उन तीनों को छोड़ रहे हैं वो लोग। वो पुलिस, जज, लॉयर, ये जमींदार सब हमारी जायदाद हथियाने के लिए हमें मारने के बारे में सोच रहे हैं। हमें छुड़ाने के लिए कोई नहीं आने वाला। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। करेंगे, करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मैडम ये फाइल लेके जाइए, कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। ठीक है सर। मॉर्निंग प्रताप जी सर, एक मिनट, मैं कोर्ट के लिए निकलता हूँ सर। ठीक है जाइए सर। गुड डे सर। सर उन सबको कोर्ट में पेश करना है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उन सबको गाड़ी में बिठाओ। ठीक है सर। शरीर पर एक भी घाव नहीं दिखने चाहिए, जज के सामने परेशानी होगी, समझ गए ना? ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ट्रीटमेंट दिलवा के ही लेके आया हूँ मैं। क्या हो रहा? क्यों मार रहे हो उसे? सर देखिए कैसे घूर रहे हैं ये लोग। आपस में मारा मारी करके जज के सामने ये साबित करना चाहते हो कि हमने टॉर्चर करके मनवाया है? इधर आ। क्या हुआ सर? इन सबको किसने मारा? सर आपस में मारा मारी की, फिर दीवार पे सर पटक दिया। इसे भी कोर्ट में लेकर चलो गवाही देने के लिए। कमीनों, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वाले, जो गुनाह हमने नहीं किया है वो भी हम पर ही थोप रहे हैं, और आप सब प्रेस वाले भी उसे बड़ी बात बनाकर टीवी में दिखा रहे हैं, और उस दिन कोर्ट के सामने ऐसा करने की क्या जरूरत थी? रिपोर्टर्स आकर हमसे ऐसा करने से आपको क्या फायदा हुआ?
पूछने लगे। इसमें पूरी प्लानिंग तो आपकी थी ना, बताइए आप पुलिस से ये बात क्यों नहीं बताई सबके सामने ही? ए कमीने कहीं के, फोटो लेगा, शक्ल में क्या रखा है, इसकी निकाल। ए प्रताप सर लेकर जाओ। ए अरे ले जाओ, चलो चलो अंदर चलो, निकाल जल्दी चल। यही हुआ था मैडम। हाँ मैडम, अब हम लोगों को सिर्फ आप ही बचा सकती है। पुलिस समाज की रक्षा के लिए होती है सुना था, पर तुम्हारी कहानी सुनने के बाद ये पता चला उन्होंने इतना अन्याय किया। ये पुलिस वाले, उनके पास जो अधिकार हैं उसका ये लोग पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझसे सच ही कहा है, इसका अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। देखो मेरी कलम आज से तुम्हारे लिए होगी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर न्याय दिलाऊंगी। निर्दोष लोगों पे अत्याचार, ताजा खबर, पुलिस की काली सच्चाई, ताजा खबर पढ़ो आज की ताजा खबर, निर्दोष लोगों पे अत्याचार हो रहा है, इंस्पेक्टर दानापति का अत्याचार, ताजा खबर, आपकी न्यूज काबिले तारीफ है, जो सच्चाई किसी को पता नहीं थी उसे आप बाहर लेकर के आईं। जर्नलिज्म को आपने एक नया अर्थ दिया है मैडम। यू वर रियली अमेजिंग मैडम, वी नीड मेनी मोर पीपल लाइक यू, डेयरिंग एंड करेजियस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आपने जो आर्टिकल लिखी है वो आप खुद ही पढ़ के खुश हो रही है क्या? अब तक तो नहीं, लेकिन आज मेरी कलम के आगे खाकी आकर खड़ी हो गई है, अब मैं खुश हूँ। वाओ, व्हाट ए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करने वाले लेखक होते हैं, सच को सामने रखने वाले जर्नलिस्ट होते हैं। पहले इन दोनों के बीच का अंतर जान लीजिए। अंतर जानता हूं, इसीलिए मैंने क्रिएटिविटी कहा। या आप अपनी स्क्रिप्ट ले जाकर किसी प्रोड्यूसर को दीजिए, पुलिस को क्रिमिनल और क्रिमिनल्स को हीरो दिखाएंगे वो, और आप भी अच्छा कमा लोगी। अच्छी सलाह है। अगर आपके हिसाब से ये स्क्रिप्ट होती तो इस कहानी के कॉपीराइट्स के ओनर आप ही होते ना? व्हाट? और नहीं तो क्या, मेरी ये स्क्रिप्ट पूरी होने से पहले ही आपने एक नई कहानी लिखकर उसका निर्देशक, लेखक, डायलॉग सब कुछ लिख डाला। अबव ऑल व्हाट अ कास्टिंग यार, किसी का भी चेहरा देखने पर यही क्रिमिनल से ऐसा यकीन करना ही होगा। ब्रिलियंट जॉब मैडम। धन की आशा और अधिकार के बल पर निर्दोष लोगों को पकड़ कर कलाकार की तरह एक्टिंग करवा के कोर्ट को भी आपने मना लिया ना। आप जान लीजिए, अब तक आपने जो किया वो सिर्फ ऑडिशन था, असली सच मैंने पब्लिश किया है। सच और जर्नलिज्म का अंतर मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे सहन करने की शक्ति है तुम में? मेरे सच को झूठ साबित करने की शक्ति आप में है क्या? आइए। खोलो, ओए, सब बाहर आओ। मैडम। क्या है मैडम ये?
हाँ? निर्दोष लोगों को फंसाने की योजना मैंने बनाई, हाँ? अब तक आपने जो कुछ भी किया ना, वो इंटरव्यू नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुन के आप मान गई, वो सच नहीं है। ये निर्दोष है, ये मान कर पेज पे पेज आपने लिखी है ना, वो वास्तविकता में नहीं है। अधूरी जानकारी से कुछ भी लिख के आप जनता की नजरों में हमारी छवि खराब कर रही हैं। मेरी राय ऐसी बनी इसलिए मैंने उसे जनता की राय बनाई। इनके आने वाली पीढ़ी को सर झुका कर ना जीना पड़े इसलिए मैंने पब्लिश किया। क्या कहा? वाह, आने वाली पीढ़ी। मैडम, 80 हत्याओं के 2 गवाह पैदा किया है मैंने, ऐसा आपने लिखा। 2 गवाह पैदा करने वाले के लिए 70 गवाह पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी 5 साल में। मैडम, किस एंगल से देखने पर ये आपको निर्दोष नजर आ रहा है? देखिए इसकी शक्ल, देखिए। हट यहाँ से, हट। तू इधर आ। ये कौन है पता है आपको? हाँ, उमेश रेड्डी। 14 रेप्स और मर्डर केस है इस पे। मानता है क्या? मानता है क्या? बोल। हाँ बोल। हाँ नहीं मानेगा? चल भाग। तू इधर आ। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है तू? मैडम जानती हैं इसे सिर्फ 2 केस के कारण सजा मिली है, पर ऑफ द रिकॉर्ड की आवाज 30 है। चल जा। सर प्लीज स्टॉप इट। ओहो, आ जाओ। गला काटने वाली सावित्री यही है ना? औरत के नाम पर ये कलंक है मैडम, जान लेती है, जान लेती है ये। सब साहब हमें कुछ भी पता नहीं है साहब, हम निर्दोष है साहब। आप ये बात जानते हैं साहब, फिर क्यों? तेरी तो फालतू बातें करता है, अपने आप को निर्दोष कहता है। निर्दोष है तू? क्या सर? हैं, तू निर्दोष है सर? छोड़ दीजिए सर। निर्दोष है तू? सर छोड़िए सर। नहीं तो छोड़िए, छोड़िए सर। क्या कर रहे हैं सर आप? प्रेस वालों के सामने मार रहे हैं। मैं आपको कंट्रोल कीजिए सर। मेरी लिखी हुई 8,000 पन्नों में से सिर्फ 2 पन्ने लेकर एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। उसे सिर्फ इतना ही पता था, जनता को भी बस इतना ही पता चला। कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा है, ये मानकर जर्नलिज्म की पढ़ाई करके किसी भी 4 अपराधियों का इंटरव्यू लेकर और उसके साथ ऐसे कमीनों की बताई हुई कहानियों पर भरोसा करके हमने निर्दोष लोगों को फंसाया, ऐसा लिखने वाली आपको भी सिर्फ इतना ही पता है मैडम। मैं सच्चाई बताऊं क्या? सुनेंगी ना आप? मैडम, अपराध इन लोगों ने सिर्फ अभी नहीं किया है, वो इनके डीएनए में है मैडम। इनके दादा परदादा से परंपरा के रूप में आई हुई आदतें हैं ये। चल नीचे। इनके द्वारा किए हुए रक्तपात के गुनाहों का 80 साल का इतिहास है। सुनेंगे क्या आप? सुनेंगे क्या? स्वर्ण भूमि पे आपका स्वागत है सर। सोने की सुरक्षा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, ये सब कैसे हो रहा है कुछ पता है तुम्हें? सर वो लोग 4 पीढ़ियों से अभी तक चोरी ही करते आ रहे हैं सर। काम समुद्रा मद्रास जाने वाले मार्ग के बीच में ये स्टीम इंजन एक जगह पे स्लो हो जाता है सर, उसी मौके का फायदा उठा के ये लोग लूट लेते हैं सर। कितने लोग होंगे वो? ऐसे सर तकरीबन 40 लोग होंगे। हाँ हाँ सर। ठीक है, मुझे वो गाँव देखना है, तैयारी करो। यस सर। सभी लोग ध्यान से सुनिए, सूखे का समय है ना, खेतों में मजदूरी करने के लिए काम नहीं है, इसलिए खाने के लिए डाका डाल रहे हो, वहां पे यहां पे चोरी कर रहे हो, गाड़ियों को रोक के लूट रहे हो, और इन सब से ऊपर कोलार से सोना ले जाने वाली रेल को रोक के उसमें डाका डाल रहे हो। तुम सबको मार मार के जेल में डाल दूंगा, जिंदगी भर फिर तुम लोग वहीं सड़ते रहोगे। साहब हमने कोई भी डाका नहीं डाला है साहब। ए यहाँ तुझे ये किसने बेचा? मुझे इन्होंने बेचा है सर। अगर हम ऐसा करते तो ऐसे थोड़ी ना रहते हैं साहब। हम जैसे पर शक क्यों कर रहे हैं साहब? आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं, सो जान लो, बातों से अगर तुम सुधर जाओगे तो सरकार से
सिफारिश करके मैं बीज की खेती वापस शुरू करवा के तुम्हारी जिंदगी सही पटरी पे ला सकता हूं। लेकिन फिर से गलत काम करके बचने की अगर सोच रहे हो तो मैं तुम सबके सर पे इनाम रखवा के एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। ए, खड़ा हो। कल से तुम सब ट्रेन के जाने के वक्त एक साथ पुलिस स्टेशन पर आकर हाजिरी दोगे। ट्रेन के चले जाने के बाद तुम लोग घर जा सकते हो। अगर कोई भी वहां हाजिर नहीं हुआ तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा, याद रखना। मुनियप्पा, आया हूं साहब। तिमाया, आ रहा हूं साहब। रमैया, यहीं पे हूं साहब। रंगना, आया हूं साहब। सर पूरे 35 लोग आए हैं सर। मतलब सब के सब यही है ना? हाँ हाँ, सब यही है सर। देखो सर, इन सब को सुबह तक यहीं बिठा के रखना और ट्रेन के जाने के बाद इन्हें यहां से जाने देना। ओके सर। सर कल वो लोग यहीं पे थे सर, फिर भी ट्रेन के 3 डब्बों से सोना चोरी हुआ है सर। मतलब तुम लोगों ने हाजिरी ठीक से नहीं लगवाई थी? सर वो गिनने के वक्त हाजिरी बराबर थी सर, लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए ना। यस ठीक है, मैं देख लूंगा। रात को चोरी करके गायब हो रहे हैं ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं खुद उनके पास जाकर उनकी मदद करूंगा ऐसी जबान देकर आया था, फिर भी वो लोग लगातार ट्रेन से चोरी करते जा रहे हैं। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मुझे तो लग रहा है ये पुलिस वाला हम सबको कुछ ना कुछ करेगा जरूर। कुछ भी नहीं था तो हमारे गांव में आके हाजिरी का रिवाज ले आया ये। तुमने जैसा कहा था हम नहीं है, फिर भी ऐसा कहा कि हम ही है, ऐसी हाजिरी लगवा के आया हूँ मैं, अब क्या करें? उसे सब पता चल गया, लूटी हुई ट्रेन को देख के उसे सब समझ में आ गया। मुंह पे लालटेन मार के उसकी रोशनी में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें घूर के हम सबको हाजिरी देने के लिए बुलाएगा वो साहब। इसलिए अब हमें खाली हाथ ही घर जाना होगा। ऐसे कैसे होगा भाई, पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले उनकी आंखों में धूल झोंक कर ट्रेन से सोना चोरी करते थे, सारा काम अच्छे से चल रहा था, अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? कल ट्रेन लूटनी होगी बस। तिमैया साहब, अंतिर साहब, वेंकटाचलम साहब, हाजिरी के वक्त धोखा देकर तू फिर से ट्रेन लूटने की सोच रहा है क्या? अब तेरे ये पैतरे बिल्कुल नहीं चलने वाले। भूख और जरूरतों ने उन्हें चोर बनाया ये सोचकर जीने का रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारे माथे की लकीर बदल दूंगा कहने वाले आदमी का सिर काट देने वाले वैसे राक्षसों के खून से पैदा होता है ये डी गैंग। देश को आजादी मिलने के बाद हमारी सरकार ने आसपास के गांव के चोरों को एक ही गांव में रहने के लिए कहा। उस गांव को एक सेटलमेंट कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया गया। उस गांव में बड़े होते ही इनको चोरी करना, खून करना, इन्हें दूध में मिलाकर पिलाया गया है इनके माँ बाप के द्वारा। बच्ची हूँ ये देखे बिना उसने मेरे मुंह पर जोर से मार दिया, कमीना कहीं का। इस बार वो कमीना नहीं बचेगा, तेरे हाथों से उसके दांत तुड़वाऊंगा।
तेरे मुंह पे भी उसने मारा क्या? नहीं, ये मेरा खून नहीं है, मैंने जिसको काटा था उसका। हमारे बारे में किसने बताया पता नहीं, कमीना कहीं का। ए नालायको, मैंने ही कहा था तीन आदमियों ने मारा तो मुंह दुख रहा है, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, ऐसा तुम लोग कह रहे हो। कल बड़ी बड़ी चोरियां करोगे तो 100 लोग मारेंगे, तब क्या करोगे? तुम्हारी चमड़ी को मोटी चमड़ी बनाने के लिए ऐसा मार खाना ही होगा, शरीर मजबूत होने के लिए ऐसा मार सहना ही होगा। ए चुड़ैल, मुंह क्या देख रही है, चूल्हे पे दाल रखिए, जाकर देख। अरे जा, कहा ना। प्लान करके चोरी करना है, चोरी करने के बाद कैसे भागना है, पकड़े जाने पर क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ उनकी माँ उन्हें घर में ही ट्रेनिंग देकर भेजती थी। वो कितना लंबा है पता है बाबा, पर हम तो छोटे हैं, कैसे मारेंगे? हमारे काम में छोटा या बड़ा देखना नहीं चाहिए, बड़े को उछल के मारना चाहिए और छोटे को कुचल के मारना चाहिए, बलवान होने के लिए यही दवाई है। औरों के बाप पसीना बहा के बच्चों को पालते हैं और तुम खून पिला के उनका पसीना बहा रहे हो, ये लो पी लो। चोरी करने के बाद बचकर भागने के लिए, ज्यादा ताकत के लिए, एक बार अगर पकड़े गए तो जनता की मार से बचने के लिए गधों का खून पिलाकर इन्हें पालते हैं। देखो रे, कल अमावस्या है, गांव में कोई नहीं होगा, पुजारी रात को जाके सुबह आएगा, ये अच्छा अवसर है, हंडी उठा के ले आओ। हंडी उठा कर ले आए, हमसे नहीं होगा पापा, भगवान आंखें निकाल लेगा। भगवान आंखें निकाल लेगा? भगवान कह रहा है, भगवान जैसा कहा वैसा कर। भगवान की हंडी में पैसे डालने वालों का श्राप लगा तो भगवान हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। थू, भगवान श्राप ऐसे शब्द बोल रही है? हाथ में कपड़ा बांध कर जाओ, कोई भगवान कुछ नहीं करेगा। ऐसा करने पर भगवान कुछ नहीं करेंगे माँ? जितना कहा है उतना करो, सवाल पूछकर टाइम बर्बाद मत करो। वक्त भागने वाले सिर्फ वही नहीं थे, हमारा देश भी गांव छोड़ के शहरों की तरफ भागने लगा। जमीन पर भरोसा करने वाले सभी जमीन को बेच के रियल एस्टेट के नाम से शहर के आसपास के 382 गांव में से 275 गांव को सिलिकॉन सिटी के निर्माण के लिए दे दिया गया। और उसके बाद ये गैंग वाले ये सोचकर कि अब इस गांव में चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, शहर की तरफ चले गए। मालकिन, हाँ? अब काव्या, रात का बचा हुआ खाना है, लाकर इसे दे दो। ठीक है मालकिन, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। तो फिर कोई काम होगा तो दे दीजिए, आप जितने भी पैसे देंगे उसी में काम कर लूंगी। क्या काम चाहिए? तुम्हारी जाति कौन सी है? दादी, भूखी कोई जात होती है क्या? गीता हाथ में रखकर कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे किसी को भी काम पर रख लेंगे क्या? वो टॉयलेट क्लीन करना है ना माँ, तो इसी से करवा लीजिए, कितना काम करेंगी आप अकेले? सुनो, टॉयलेट क्लीन करने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अगर खाने को मिलेगा तो मैं कुछ भी करूँगी मालकिन। ठीक है, आ जाओ, ये मुझे दे दीजिए। कौन है क्या पता, अनजान है जिसे हम जानते भी नहीं। क्यों रे, मेरी बातों का कोई मोल नहीं है? मैं जात पात भी नहीं पूछूं क्या? आप कभी भी अच्छी बातें नहीं कर सकती क्या दादी? कौन सा गांव है तुम्हारा? मूलबाग के पास, काम समुद्रा में थी। अच्छा ठीक है, नीचे जाकर बाथरूम क्लीन करो, मैं अभी आती हूँ।
सुनिए, हाँ पुलिस वाला आया है। अरे खाकी कपड़े सिर्फ पुलिस वाले नहीं पहनते, वो पोस्टमैन है, लेटर लेकर आया है, जाकर ले लो। जाओ। हेलो, नहीं चाहिए, हम 3 दिन घर पर नहीं हैं, तिरुपति जा रहे हैं, तिरुपति से आने के बाद ही काम चालू करेंगे। हाँ चेक करके पैसे निकाल कर सबको पेमेंट कर देना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 पक्का, प्रसाद तो लेते ही आऊंगा। क्या हुआ, पूरा साफ कर दिया ना? नहीं मालकिन, बस थोड़ा सा बचा। ठीक है, काम पूरा करके बाहर रहो, मैं आके खाना दूंगी। टाइम पर पेमेंट हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक। सुनिए कॉफी लीजिए ना। पैकिंग वैकिंग सब हो गई है ना? हाँ हो गई। अच्छा सबको इन्फॉर्म कर दिया ना, हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं? कह दिया है। ये लो। ठीक से बैठना नहीं आ रहा तुझे, और चाहिए क्या है? वाह क्या सोए हैं, देखो तो जरा। अरे बहुत सो लिए रे तुम सब। सही पूछो, और कितने दिन काम करेंगे तो थकेंगे ही ना। और कितने दिन काम करोगे? अरे सीनू मुहूर्त निकाल के ही आई है, उसके घर में कोई नहीं रहेगा, गांव जा रहे हैं सब के सब। अरे क्या बोल रहा है यार, ये तू बता क्या बता रहा था। चुप करना। अरे वही तो बता रहा हूँ। अच्छा ये बता, रात को जाना ठीक है क्या? हाँ हाँ रात को जाना ठीक नहीं है केम्पे, रात को जाएंगे तो बहुत रुकावट आएगी, सुबह जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि रात को अगर हम लोग जाएंगे ना तो कुत्ते काट सकते हैं, और अगर सुबह जाएंगे तो इंसान होंगे ना, तो क्या वो छोड़ देंगे हमें? करेक्ट है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। इंसान तो अपने घर में ही पड़े रहते हैं, पड़ोसी के घर में चोरी होती है तो उत्सव मनाया करते हैं। देखो इस जगह पे ये हम लोगों की पहली चोरी होने वाली है, तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा। तू पीछे रह, तूने तो कहा था घर में कोई नहीं है, फिर गेट कैसे खुला पड़ा है? मलाया चल। तुम हो वो, आप गांव नहीं गई क्या? माँ ने तुम्हें नहीं आने के लिए कहा था ना, क्यों आई हो आज? घर में कुछ काम नहीं करना है, जाओ तुम। वो कौन है तुमने? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। दिया क्या? ये दोनों ने। अगर इसे होश आ गया और इसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो
क्या कर रहे हैं? जो आवाज आ रही है वो सुनी क्या तूने? सांस के साथ साथ खून मिलके कैसे सुनने में बहुत मजा आ रहा है मुझे। यहाँ पे खून लगा है, तुझे कुछ हुआ है क्या? ए, ये मेरा नहीं है। तो फिर? उस लड़की का है। चोरी करने गए उस लड़की को तबाह कर दिया, शर्म नहीं आती क्या? कैसी शर्म? एक बात बता, तू हमेशा सोना चोरी करने जाती है ना, अगर तुझे हीरा मिल जाए तो तू छोड़ देगी क्या? वैसे ही हमेशा इस्तेमाल किए हुए फूल सूंघने मिले थे हमें, पहली बार मोगरा मिला तो छोड़ दूं क्या? उसके मजे ले लिए। तेरे बस की बात नहीं है। हमारे रस चूसने के बाद तू भी निचोड़ लेना। और तुझे क्या हुआ, उसे मारे बिना नहीं आ सकता था? तुझे गले के ऊपर वाला माल पसंद है, लेकिन इसे गले के नीचे वाला माल पसंद है, और मुझे गला ही पसंद है। गला काटने के बाद साउंड जो आती है वो उस साउंड के लिए मैं कितने भी गले काट दूं ना मंजूर है। राक्षसा नर नर राक्षसा सो राक्षसा नर नर राक्षसा सो एक काम भी ठीक से करना नहीं आता है। वो घर देख के आया क्या? समझ में नहीं आता वो मरा है देखे बिना अंदर चले जाते तो हम मर जाते ना। ए तू अपना काम देख, मैं जब वो घर देखने को गई थी ना तब वो बुड्ढा बहुत तंदुरुस्त था। ऐसा इंसान रातों रात मर जाएगा ये मैं सपने में भी नहीं सोचा था। उस कमीने को आज ही मरना था क्या? एक दिन और रुक जाता तो मैं ही मार देता उसे। कुछ ना कुछ काम होगा यार। सुनो, कोई आवाज तुझे सुनाई दे रही है? लगता है कहीं टीवी चल रही है। इस समय औरतें ही घर पे होती हैं, सारे मर्द बाहर होते हैं घर के। सामू अंदर कितने लोग हैं देख के आ जा। टीवी चल रही, जाओ 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 जल्दी जाओ। चलो 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 चलो। आ, 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 आ,
सेम ऑन आवर डिपार्टमेंट. व्हाट स्टेप यू हैव टेकन सो फार? सर, मोडस ऑपरेंडी वाले वॉच कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग सर. पर कुछ भी नहीं मिला. हमारे पास कोई सबूत नहीं है. यही बताने के लिए तुम्हें स्टार दिए हैं क्या? सी, आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन. आई वॉन्ट द रिजल्ट. सर, रिजल्ट चाहिए तो मुझे 24/7 एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए सर. इफ यू कैन प्रोवाइड दैट, आई कैन डू समथिंग सर. ओके, बट माइंड इट, रिजल्ट 100% चाहिए. यस सर. पूरे दिन मजदूरी करने के बाद भी भरपेट खाना नहीं मिलने वाला, समझ गया है बात? उस राजा को अब तक आ जाना चाहिए था ना. हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना सिनु. हाँ. ले वो देख, आ गया ये भी. आ गया ना. लेका यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा, कुछ नहीं कर सकते. कैंपी को मैंने घर देख के आने के लिए कहा है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना. ऐसे हम देखते थोड़ी बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. तो मैं ही कुछ सोचना होगा. चलो. कहीं की 15 दिन हो गए हैं, एक दिन में लूट नहीं की हमने, एक पैसा नहीं हमारे पास, और तू यहां बीड़ी पी रही है. तो मैं क्या करूं फिर? ढूंढ ही तो रही हूं, कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है, घर में आने भी नहीं दे रहे मुझे, सब लोग मुझ पर शक करते हैं. तू कोई साधु है क्या जो तुझे घर में बुला के भिक्षा देंगे? एक काम कर, एक छोटे बच्चे को गोदी में उठा के आ. डर जो काम नहीं कर सकता ना, वो दया करेगी. माजी, माजी, कौन है? माजी, क्या है? 3 दिन से बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, भूख से रोता ही जा रहा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है. अरे सुबह सुबह ही आ जाते हो, रुको आती हूँ. पुलिस फोर्स बढ़ा दोगे तो क्राइम केस कम होंगे, ऐसा कहा था ना तुमने? अब क्या हुआ? फोर्स भी बढ़ा दी गई है, फिर भी तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, और उस एरिया में एक मर्डर और हुआ है. बिल्ली अंधी है तो चूहे ने कुछ भी कह के उसे हंसा दिया, ये सिर्फ तुम्हारी लापरवाही है. सॉरी सर, ये केस अगर रेगुलर क्राइम की तरह रिवेंज मोटिव, प्रोवोकेशन, जायदाद के लिए या फिर आपसी झगड़ों के लिए होती तो हम क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सकते थे, और अगर हमने पकड़ भी लिया तो ये केस मजबूत नहीं होगा. बीइंग अ रिस्पांसिबल पुलिस ऑफिसर, आपके मुंह से ऐसी बातें? यस सर, इस केस ने नया रूप लिया है. इस केस में रिवेंज या प्रोवोकेशन कारण नहीं है, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता. इंसान के शरीर का महत्व तो नहीं समझते हुए सिर्फ पैसों के लालच में किसी की जान लेने के बाद खुशी महसूस करते हैं वो. अगर एक शब्द में कहा जाए तो दिस आर साइको किलिंग सर. ये क्या कह रहे हैं आप? On what basis you are telling this? सर, मैंने इनके क्राइम्स में कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किया है.
वो क्राइम सीन में फिंगरप्रिंट्स फुटप्रिंट्स अवॉइड कर रहे हैं, ब्लड एंड स्पर्म सैंपल्स को मिटा रहे हैं, विक्टिम के शरीर के आसपास वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, स्निफर डॉग्स को क्राइम सीन अवॉइड करने के लिए मसालों का छिड़काव कर रहे हैं। ये हत्याएं करने वाले एक ही गैंग के हैं ऐसा कहने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सबूत है, वो सबको गला काट के मार रहे हैं। सो डेफिनेटली ये सब करने वाले एक सीरियल किलिंग गैंग्स है। सर, इस तरह के क्राइम करने के बाद अगर क्रिमिनल्स कहीं छुप जाए तो उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है, पर इस अपराध को करके अपराधी हमारे आसपास ही घूम रहा है। दैट इज द डिफिकल्टी वी आर फेसिंग सर। आप जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो फिर उन क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे? डू वी हैव एनी स्पेसिफिक प्लान फॉर दिस? यस सर, आई हैव अ प्लान। वो नहीं यार, किसी पे भी शनि आएगा तो हम उसके घर जाते हैं। तो तुम क्या शनि मंदिर होकर के आए हो? पता नहीं क्यों टाइम ठीक नहीं चल रहा अपना। जब भी किसी के घर चोरी करने जाते हैं तो घर में कोई ना कोई होता ही है। औरतों के तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं, सिर्फ बुढ़े और मर्द ही हैं, इसलिए मंदिर चला गया था। हाँ हाँ, उसको मैंने हाथ दिखाया ना। हाँ, हाथ देख के बोला तुझ पे शनि का दोष है, सर पे शनि बैठा हुआ है। और तुझे पता है क्या बोला? मेरे सर पे राजयोग भी है, दो दो बीबियां हैं और लाइफ मजे में कट रही है। मैंने उसे बोला जरा सर उठाइए और गला काट दिया मैंने। तो फिर तूने ये सब किया ना, अब सब सही होगा। क्या सही होगा, पता नहीं कब शिकार नसीब होगा। घटना तो होती है। हेलो सर, मैं प्रताप बात कर रहा हूँ। कोना कुंडी के पास एक लड़की का रेप और मर्डर हो गया है सर। क्या? मैं स्पॉट पर ही हूँ सर। बॉडी यहाँ पे सर। हाँ सर, दोपहर 12 बजे के आसपास ही मर्डर हुआ होगा, मगर किसी भी तरह का क्लू नहीं मिल पाया है। एम्बुलेंस आने ही वाली है सर। सर, फॉरेंसिक टेस्ट भी मैंने शुरू करवा दिया है, लेकिन सर हत्या में यूज किया गया कोई भी हथियार हमारे हाथ नहीं लगा है। विक्टिम के शरीर के जेवर कहाँ है? पता नहीं सर। होशियार हो गई है, कभी भी हमें पकड़ सकती है, उनकी हमारे ऊपर सख्त नजर है। अगर वो हमें इसी तरह ढूंढ देंगे ना तो किसी दिन हम लोग पक्का पकड़ में आ जाएंगे। उनके साथ ही अगर हम रहेंगे ना तो फिर तुम सब 2 महीने मजदूरी या खेतों में काम करते रहो। मैं और मालया चोरी करके 2 महीने के लिए जेल जाके आते हैं, तो इन हत्याओं के बारे में वो लोग भूल जाएंगे। कहां से आ रहे हो और ये क्या ले जा रहे हो? क्या है ये? टीवी है सर, खरीद के ले जा रहे हैं। ओ, टीवी खरीद के ला रहे हो क्या? टीवी खरीदने वाली शक्ल तो नहीं है तुम्हारी। तेरी तो झूठ बोल रहे। कहां से उठा के ला रहे हो, साफ साफ बता दो हमें, नहीं तो तुम दोनों को चोरी किए सर। हाँ, कहां से चुराया इसे? साहब वो बैंक है ना साहब, उसके बगल में जो घर है वहीं से उठाया है साहब। कांस्टेबल सर, इन दोनों को जीप में बैठाओ। चलो 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 अंदर, चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। प्रताप सर, हर अपराध में एक ही चीज मिस हुई है और वो है
विक्टिम्स के जेवर। यस सर। चोरी किए हुए जेवरों को बड़ी दुकानों में बेचना बहुत मुश्किल है, यही कोई छोटी मोटी दुकान में वो बेचते होंगे। सो अपने इन्फॉर्मर्स को बोल दो कि वो लोग ऐसी दुकानों पर नजर रखें। ठीक है सर। इन केस एनी सस्पिशियस एक्टिविटी आस्क देम टू इन्फॉर्म मी। ओके सर। ओके। महीने जेल में रह के आए हो, जवान लड़के की तरह दो घंटे से कर रहे हो। ए, बहुत तेज धूप है, पहले तू जाके अपना काम निपटा। हाँ चलता हूँ। हल्का हो गया ना, चल आजा बैठ जा बैठ जा। अब मैं जाता हूँ। ए, तू इतना टाइम लेगा तो हमारा क्या होगा? अरे मलया, कौन आया है तो देख। कौन है रे ये? जाते समय तो अकेले गया था, साथ में इसे भी लेके आया। जान चले। ए, मलया क्यों बे, मुझे पहचाना नहीं क्या? कौन से गांव के हो तुम? कपन्ना। ओ कपन्ना क्या? हाँ। कैसे हो? सुना था तुम्हारे सारे लोग मर गए। अरे क्या है जो मर गया, ऐसा कह रहे? काम करते वक्त पत्थर गिरा था बस। ओ ए, अरे थोड़ी मदद करोगे क्या? क्या बोलना? ये जब से पैर टूटा है ना, मैं लंगड़ा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा। अच्छा? तुम्हारे साथ अगर रह जाऊं तो। देखो हमारा गुरु यही है, ये जो कहेगा वो होगा, क्या करना है बोलो। अरे मैं भी करके आऊंगा ना। ए, जल्दी आ, जल्दी आ। क्यों रे, इतनी जल्दी हो गया क्या? बुजुर्ग कहते हैं कि खड़े होके काम करो, और हम है कि झुका के काम कर रहे हैं। जाके मजे कर ले। जाओ जाओ। ए, उसे देख। सेठ नमस्ते। सेठ क्या चाहिए? सेठ मेरे पास कुछ जेवर हैं, देखो। कौन से जेवर हैं ये? सर। हाँ बोल। उल्लाल के मेन रोड में महालक्ष्मी ज्वेलर्स में एक आया है सर, उस आदमी को देख के हमें शक हो रहा है। नजर रखो तुम। ओके सर। ए, उसे फॉलो करते हैं। यह सामान तेरा नहीं है सर, मेरा नहीं है सर। मैडम ये आपका है? नहीं सर, हमारा तो नहीं है। सर सर क्या हुआ सर? ज्यादा हिम्मत, यहीं रुक। ठीक है सर। तो ये तेरा नहीं है? नहीं सर, मेरा नहीं है। और ये जेवर? मेरा नहीं है सर। जेवर है? कौन समझता है, कमीने, नाटक कर रहा है? चल मेरे साथ। सर सर मेरा बैग। गाड़ी चल 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 गाड़ी में सर। चल गाड़ी में सर। उसने कहा है कि इस चोरी में जो भी लोग शामिल है वो सब से ले जाकर मिलवाएगा। ए, सर क्यों बे सुबह से ऐसे घुमा रहा है मुझे? क्या सर? तीन बार मैंने डीजल डलवाया है। सर जिसको आप ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रहा, तो इसमें मैं क्या करूं सर?
अबे मेरी नाक काट रहा है क्या सर? नहीं जब से ड्यूटी ज्वाइन की है कभी बेंगलुरु घूमा नहीं है। सुबह से घुमाया जा रहा है तो मुझे आता नहीं है मुझे। सर यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक अच्छी बिरयानी वाला ठेला लगाता है। कहाँ पे? बस आगे ही सर, वहाँ पे मेरे लोग खाना खाने के लिए आते हैं। वहीं चलो सर, वो लोग पक्का आएंगे। झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं सर नहीं, अगर मेरे पे भरोसा नहीं तो चलिए वापस पुलिस स्टेशन चलते हैं सर। वो छोड़ेंगे क्या मुझे? वही तो बात है सर। कहाँ पे है बिरयानी? यहीं से थोड़ा आगे जाके दाएं लेकर बिरयानी वाला है सर। वो राइट ले चल सर्कल से। हाँ यहीं पे सर, यहीं पे। रुक जा रुक जा रुक जा, यहीं पे सर, यही वाला। रुक जा, मस्त बिरयानी बनती है सर, मस्त। मुझे डायरेक्शन मत बता तो उतर। हाँ सर आ रहा हूँ सर। सर देख वो यहाँ आएंगे ये कह के तो मुझे यहाँ पर लाया है, अगर एक बात भी गलत निकली तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। क्या चाहिए सर? वो एक बिरयानी दे सर। बिरयानी बहुत फेमस है सर यहाँ की। कर्ड राइस है क्या? वो तो नहीं है सर, मसाला राइस है। तुझे सही बंदा मिला है, इसे दही राइस दे, मुझे कर्ड राइस दे। ठीक है सर। को बिरयानी दे, इनको कर्ड राइस देना। महान काम किया तूने, जो तुझे इसकी बिरयानी खानी है। कोई भी बिरयानी हो सर, मैं तो खा लूंगा, बस फ्री में मिल जाए खाने को। एक दूंगा ना तुझे। हांडी बिरयानी खा खा के ऐसी आंखें हो गई तेरी, फिर भी तुझे अकल नहीं आई है। एक बार आप मच्छी बिरयानी खा के देखो सर, बहुत अच्छी है। अरे मच्छी के अंदर तो भगवान होता है नारायण। सर अगर मच्छी में होता है तो बकरे में भी होता है ना। अरे वो छोड़, ये ले खा ले। ये लो भाई। हाँ दो दो। किधर चला गया होगा? पता नहीं, देखते हैं। जी जी मुझे आदत नहीं है नॉनवेज खाने की। सर खा के देखो। क्या हो रहा है सर? यहाँ पे दूर दूर से लोग बिरयानी खाने के लिए आते हैं, सच कह रहा हूँ। सुन बे, सुबह से तूने 10 इडली खाई, दोपहर में 2 बार खाना खाया और अभी ये बिरयानी खा रहा है। भाई, बोलो भाई। मुझे शुगर है, सारा दिन घूम घूम के मेरा पाँव दर्द कर रहा है। ईमानदारी से बता वो कब आएंगे? आ जाएंगे सर, आस पास ही होंगे, बिरयानी खाने जरूर आएंगे सर। साहब चोर है क्या? ए क्या बोला बे? ए चुप कर, चोर है, एक नंबर का चोर है। किसी को ढूंढ रहे हैं लगता है। इनका रक्त पिशाच का वंश है, खा खा कर छुपे होंगे कहीं पर। मेरे हाथ लगे तो दो दूंगा एक एक को, मेरी आंखों से बचकर कोई निकल नहीं सकता है। जल्दी खाओ, थोड़ा बिरयानी दे यार। तो जो खाएगा वो बाहर निकल जाएगा, और एक बिरयानी चाहिए। वो हमारी तलाश में ही उसे यहाँ लेके आया है, हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए। डांस कर रहा है, चल जाके जिम में बैठ। सर मेरे लोगों को फिल्म देखना बहुत पसंद है, जब भी चिरंजीवी की फिल्म लगती है ना सर, देखने जरूर जाते हैं। आज एक नई फिल्म रिलीज हो रही है, वो लोग देखने थिएटर में जरूर जाएंगे, आप वहीं पे चलो। ए, नहीं बिल्कुल नहीं, सुबह से ऐसे ही खेल खेल रहा है तो। सर भगवान कसम उनको चिरंजीवी बहुत पसंद है, फिल्म देखने जरूर आएंगे सर। अगर वो वहाँ नहीं मिले तो तेरा गला दबा दूंगा, चल। अबे सर कोई दिख रहा है क्या? सर अभी तक तो आए नहीं है, फिल्म शुरू होने से पहले यहाँ पर जरूर आ जाएंगे सर। क्यों पहले नहीं आ सकते क्या? पहले आएंगे तो आप जैसे लोग उनको पहचान नहीं जाएंगे सर। चोरों के हाथ भी लॉजिक है। सर मैं अंदर जाकर देख कर आऊँ क्या सर? चिरंजीवी को? नहीं सर अपने लोगों को। ए, मैं उल्लू लग रहा हूँ क्या तुझे? नहीं सर। चल मैं भी आऊंगा। ठीक है। क्या बे तुझे एक भी नहीं मिला क्या? मैंने पहले ही कहा था आपको देख के अंदर कोई नहीं आएगा, आपने गलती कर दी। तो फिर अब एक काम करते हैं सर। क्या? मैं ना अंदर जाके एक जगह पे छुप जाता हूँ और उन लोगों का इंतजार करता हूँ। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं जोर से सीटी मार दूंगा सर, और आप उनको पकड़ लेना। सच कह रहा है? हाँ सर, आप भी सुबह से मेरे साथ घूम घूम के परेशान हो रहे हो सर, आपको तो शुगर भी है। तू अच्छा आदमी लगता है। हाँ सर। तू जाके आ, मैं यहीं रुकता हूँ। हाँ सर मैं छुप जाता हूँ। हाँ जा। छुप जाता हूँ। ये भाग गया तो बाप रे। क्यों क्या पब्लिक है बाप रे, खतरनाक है। अपनी ही गलती है, चिरंजीवी की फिल्म के बीच में जाएंगे, लोगों ने पैसे मुझे देख लेने थोड़े, यहाँ चिरंजीवी को देखेंगे वो।
सर लगता है आप किसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, मेरी बेबी फिल्म देखने गई थी। अच्छा, वो रेड साड़ी वाली मेरे बगल में ही बैठी थी, मुझे फिल्म ही नहीं देखने दी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मारूंगा बहुत। बेबी को अंदर भेज के यहाँ चिल्ला रहा है, बेवकूफ कहीं का। कहाँ मर गया था बे? मैं तो अंदर ही था, पब्लिक ने आपको गाली दी, 3 बार धक्का दिया, सब देखा मैंने। बुला सकता था ना सर, चिरंजीवी की फिल्म देखते वक्त कोई पैसा भी देगा तो भी हम नहीं उठते। हाँ बेहतरीन, तो साहब के पास ले चलता हूँ तुझे, चल। तो कहा था अपने लोगों से मिलवाएगा और हमें पूरे शहर से छुपा रहा था। जानते हो, अपनी लाइफ में मैंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स देखे, पर ऐसे कमीनों को पहली बार देख रहा हूँ। पूरी रात जम कर दिया, फिर भी देखो कैसे बैठे हैं। सर, वैसे भी आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, परसों संडे है, हमें 3 दिन मिले हैं सर, इनसे सब उगलवाएंगे सर। सही है प्रताप। सर, कुछ दिखाई नहीं देनी चाहिए और न ही कोई आवाज आनी चाहिए। ओके, ठीक है सर। तुम सब लोग अपने परिवार को 2 हफ्तों के लिए भूल जाओ, बाहर का कोई भी सामान इन्हें नहीं देना, सबका खाना भी यहीं पर बनेगा। यस सर। वहाँ क्या देख रहा है? फोड़ी साहब। कौन सी फोड़ी बे? लाल वाली फोड़ी। छी छी, बेशरम कहीं का कहीं भी देखता रहता है। आप रोइए मत साहब, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। आपने मेरे को बिरयानी खिलाई, फिल्म भी दिखाई। तू गला काटेगा इसलिए नहीं रो रहा, प्याज काटने पर इसी तरह आंख से आंसू निकलते हैं, समझे? साहब क्या है बे, गला काटते वक्त भी हमारी आंखों में आंसू नहीं आता है साहब, पता है आपको? मतलब तूने ही हत्या की है ये मान रहा है तू? मैंने ऐसा कब कहा साहब? अभी तो कहा तूने। किसने कहा ऐसा? किसने कहा? सुनो, हे क्या हुआ? देखने में इतने हो, वो भी इतना ही है क्या? ए, इंसान शांति से रहता है तो ऐसे रहता है, लेकिन दिमाग खराब होने पर ऐसा हो जाता है। तब आप बताता हूँ, बेवकूफ कहेगा, औरत है नहीं साहब। क्या हुआ? आपको दाल बनाना आता है क्या? मुझे दाल बनाना आता है, मस्का लगाना भी आता है, शाम को लगा के दिखाता हूँ। तू हंसी रहा है बे, वो शाम को आएगा ना तब पता चलेगा, बंदर की तरह नचाएगा तुम्हें। शशि, चावल तैयार हुए कि नहीं देख जरा। सर मैं अकेले उठा नहीं सकती, आप भी आ जाइए। ठीक है मैं आता हूँ। तू क्यों उठ रहा है? अकेले उठा नहीं पाएगी ना इसलिए। हमसे का भूल हुई, जो ये बदबू हमको मिली, अच्छे कर्मों की है ये ही सजा, हमको क्यों मिली बदबू। अबे ये कोई मंत्र पढ़ रहा है क्या जो घंटों लगा रहा है? यही तो क्रिया है सर, यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे आइडियाज आते हैं। क्यों, भागने का है क्या? वैसे नहीं है सर। तेरे आइडिया के चक्कर में पूरा इंडिया ही डूब जाएगा, और कितनी बदबू फैलाएगा, जल्दी बाहर। सर क्या सर, नाक में रुई डाल के खड़े हो जाओ ना सर। नाक में रुई लगा के आऊँ क्या? रुक मैं लगा के आता हूँ, तू बाहर आ, फिर देख मैं तुझे कितना मजा चखाता हूं। सर पानी काफी नहीं होगा सर, धोने के लिए थोड़ा सा पानी और दो ना। मैं और तेरे लिए पानी लेकर आऊँ? अपने बच्चों के लिए भी कभी पानी लेकर नहीं गया मैं, तेरे लिए पानी लेकर आऊंगा। अच्छा हुआ। बोल, मुंह खोलेगा या नहीं? बोल। बैठ। बोला ना, बैठ बैठ, ठीक से बैठ। जिसने तुम्हें बिना कुछ पूछताछ किए दया करके घर में काम दिया, उसी का रेप करवा के गला काट कर मार दिया तुम लोगों ने, हाँ? बोल, तू ही उस घर में काम मांगने गई थी ना? दोपहर 1 से 1.5 बजे के बीच तुम घर में सफाई कर रही थी ना? बोल। साहब, काम कर रहे थे इसीलिए हमने ही मारा है, ऐसा आप नहीं कह सकते। मुझे पता है, उस दिन तुम वहां पर मौजूद थी। उस जघन्य अपराध में तुम्हारे साथ और भी 4 लोग हैं। इन कमीनों को देखो और बताओ कि वो कौन कौन हैं। बोलो। वो पता लगाना तो आपका काम है ना साहब।
Hey, मेरी बात सुन। पता लगाऊंगा और साबित भी कर दूंगा, तू देखती जा। वो तो ऐसे कह रहा है जैसे हमने सब कुछ उसकी आंखों के सामने किया। जो सच है उसे वो बताकर इस नर्क से बाहर निकलते हैं, नहीं तो रोज रोज ऐसी मार खानी पड़ेगी। हे, हमने जिस पे भी हाथ डाला वो तो ऊपर चला गया है, अब लोगों का भूत नीचे आके कोर्ट में गवाही देगा क्या? ए, अगर उसके पास गवाह होता तो यहाँ पे लाके हम पर इतनी मेहनत क्यों करता? गवाह मिलने तक कोई मानेगा नहीं। ए, उसे जितना भी मारना है मारने दो, लेकिन कोई भी सच नहीं बताएगा। वैसे भी यार एक बात तो अच्छी है, पेट भर खाना जरूर मिल रहा है, तो पेट भर खाते है ना खाना। मुझे सिर्फ खाने के लिए ही खोलना है, जितना हम मुंह बंद करके रखेंगे उतने दिन तक हम ज्यादा जिंदा रहेंगे। तुम्हारा क्या है, मटन मच्छी खा के तुम भी वैसे ही हो गए हो एकदम। मेरी हालत देखो, खड़ा हो रहूंगा तो बैठना नहीं हो पाता, और बैठ जाता हूँ तो खड़ा नहीं हो पाता। हमने जो किया है उसे मान लेते हैं और जेल चले जाते हैं। अरे क्या कर रहा है पागल हो गया क्या? अरे रुक जा, जेल जाएगा। अरे पास करो, तू जेल जाएगा। अरे उसको बोल दे। अरे बैठ जा। अरे क्या बोल रहा है? ये सारे क्राइम इन्हीं लोगों ने किए हैं सर, मुझे इस बात की पूरी कंफर्मेशन है। ये बात इन्हें भी पता है, बस इनके खिलाफ कोई गवाह हमें नहीं मिल पा रहा है, इसी बात का ये फायदा उठा रहे हैं। इस केस में इन्हें अंदर करना है तो हमें गवाह की जरूरत पड़ेगी सर। ऐसे खिलाओगे तो ये कैसे मुंह खोलेंगे? 3 दिनों तक इन्हें भूखा रखो, पेट खाली रहेगा ना तो अपने आप सच बाहर आ जाएगा। ठीक है सर। ए दे, खाली छोड़ो, छोड़ो, बोल ना, छोड़ने को तो खा क्यों रहे हो? अरे एक वक्त का खाना तो देंगे ना। अरे एक वक्त नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। सब खाली है। ए, खाना दो, खाना दो, भूख लग रही है। अरे कुछ खिलाओ, खाना दो। अरे मर जाएंगे सब भूख से, खाना दो। अरे पानी भी नहीं दिया, भूख लग रही है, खाना दो। कमीने कहीं के। अरे भूख लग रही है, खाना दे दो, दे दो। पानी भी नहीं दिया। भूख लग रही है। सर कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है सर, खाने दे दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे खाने को दे दो सर, पड़ जाओगे सर, सर मुझे बहुत भूख लग रही है सर। ठीक है पहले खाना खा, उसके बाद सच बता। एक बार खाने दो सर, फिर आप जो पूछोगे मैं सब बता दूंगा सर। चल बैठ जा, अब बोल। सर मेरा नाम सोमू है साहब, मैं सुब्रमण्यम मंदिर में चोरी करता था साहब, मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे पता भी नहीं था कि ये लोगों की हत्याएं भी करते हैं। इन्होंने बोला कि चोरी वोरी करेंगे तो मैं इनके साथ आ गया साहब, तभी आपने उस दिन मुझे पकड़ लिया वहाँ पर।
आपको एक बार पहले भी देखा था साहब, हम लोग हत्या करने के लिए जिस घर में जा रहे थे आप उसी रोड से गुजर रहे थे साहब। उसके पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा था साहब। उस दिन जेवर में बेचने गया तो आपने मुझे पकड़ लिया और मैं यहाँ पे आ गया। दे अंगूठा लगा, अब जा। ठीक है सर, जा। ठीक है, ठीक है। प्रताप सर, उस दिन मैंने कहा था ना, बस अब यही एक तरीका हमारे पास बचा है। हाँ सर। अब बस देखते जा, एक एक करके सब कैसे सच बताएंगे। सर वो आ रहा है। ए, रुक जा रे। आइए सर। नमस्ते साहब। नमस्ते, ये कौन है पता है क्या? नहीं पता सर। विजय उठा इसे। ए, चले धरा। चले धरा। बोलिए, ठीक से देख के बोलिए। साहब इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है साहब। ए, क्यों झूठ बोल रहे हो? तो मेरे से जेवर खरीदते हो ना, पिछले 4 सालों से खरीदते हो कि नहीं, बोलो। साहब मैंने चोरी के जेवर नहीं खरीदे साहब। चोरी के बारे में तो इसने जिक्र ही नहीं किया। साहब साहब उसकी आंखें देखो साहब, वो किसी और को दिखाना चाहता है और आप किसी और को समझ रहे हैं साहब। ओके सर, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज शायद ये आप जैसे लोगों को बेवकूफ समझता है। ऐसे ही लोग आप जैसे लोगों की इज्जत मिट्टी में मिलाते हैं। एक नंबर का कमीना है। ये लीजिए सर। सर लीजिए सर, अब इसे मारिए सर, मारिए, मारिए ना सर, मारिए, मारिए। ए, ए, मुझे मारेगा तू? मुझे मारेगा? 4 सालों से मेरे से चोरी का जेवर खरीदता और तो मुझे मारेगा? सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का जेवर तूने लिया था कि नहीं, बोल। इतने सारे जेवर मेरे से खरीदे, इतना मुनाफा कमाया, झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पहचानता है, ये झूठ बोल रहा है, बोल। ठीक है, ये ले सर, ले। तुमने जिस आदमी को जेवर बेचे वो यही है ना? हाँ सर। तुम्हारी से तेरी तर ले, झूठ बोल रहा है। ए, ये जूता इधर दे। नहीं साहब, वो ऐसा है साहब, मैंने तुम्हें जूता दिया था, तुमने उसे मारा नहीं, वही जूता मैंने इसे दिया, इसने मारा, तुमने झूठ बोला था, इसलिए तुम इसे मार नहीं पाए। साहब यहाँ पे नहीं साहब, सब देख रहे हैं। 2 मिनट साइड में आई ना। अब बोलो साहब। मुझे माफ कर दो साहब, उसने सारे जेवर मेरे पास ही बेचे हैं साहब। साहब वो जेवर मैंने पिघला दिए हैं साहब, सारे जेवर मैं आपको वापस कर दूंगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसाइए प्लीज साहब। खाकी वर्दी देखकर जो सच बाहर नहीं आया, वो वर्दी के बूट की मार से बाहर आ गया। कल सारे जेवर लेकर पुलिस स्टेशन आ जाइए, जाइए। ठीक है साहब। हे सर, आओ इसे। ए, चल सर। चल बैठ। तेरे सारे लोगों ने मुंह खोल दिया है, अब तुझे भी खोलना होगा। बोल, खोलेगा ना? बोल, बोल। तुम कुछ भी कर लो, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 2 स्क्वायर मीटर ही चर्बी होती है। कोई भी हो, अगर 1 स्क्वायर मीटर कुछ अंदर जाता है तो सच बोल ही देता है। देखता हूं तू कब तक सहेगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। क्या कहा था? मैं जानवर हूँ, शेर हूँ, घास नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सिर्फ 2 इंची अंदर गया तो? प्रताप, इस कमीने ने 5 साल में जितने भी जुर्म किए हैं वो सब उगलवा लो। साहब आप जीत गए साहब, हमारे मुंह से सच उगलवा लिया साहब, पर ये अंत बिल्कुल नहीं है साहब। तुम्हारे पास कोई असली गवाह तो है ही नहीं। है, अगर मैं हारने वाला होता तो भगवान का त्रिशूल मिलने के बाद तुम सब मुझे नहीं मिलते। वह हथियार देने वाले भगवान,
गवाह नहीं देगी क्या? ये भगवान का ही निर्णय है। अब तुम लोगों के बचने का कोई चांस नहीं है। मैडम नमस्ते। नमस्ते, मैं इंस्पेक्टर हूं। आइए ना, अंदर आइए। थैंक यू, बैठिए। मैडम, वो 5 साल पहले आपके घर में चोरी हुई थी और फिर आपका बलात्कार हुआ था, ऐसा हमें पता चला है। सर, आपकी जरूर कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रताप, ब्रिंग देम इन। ओके सर। सब अंदर आ जाओ, आओ आओ, जल्दी आओ। हाँ, लाइन में सब लाइन लगाओ, खड़े हो जाओ, सब लाइन में खड़े हो जाओ। चलो तुम भी आओ। मैडम, इन कमीनों ने 80 लोगों को मारा है, उसमें से आधे से भी ज्यादा औरतों को रेप करके मारा है। शायद उस दिन आपकी खुशकिस्मती थी कि आप मौत से बच गई। मैडम मैडम, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आपको इस बात का डर है कि अगर यह बात बाहर गई तो आपकी फैमिली को समाज में एक अलग नजर से देखा जाएगा। बट आई प्रॉमिस यू कि आपको कोर्ट या पुलिस स्टेशन में आने की कभी भी कोई जरूरत नहीं है। यह बात मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए। उस दिन रेप करने वाले यही थे क्या? प्लीज मैडम, मैडम, ऐसे लोगों के गुनाह करने से ज्यादा आप जैसे लोगों का चुप रहना हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य है। काफी लगता है, मिला ना गवाह। 15 लोग, 5 साल, 80 केस, 3 राज्यों की पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर जानवरों की तरह घूम रहे थे तुम लोग। इस दुनिया में कितना भी इंटेलिजेंट क्रिमिनल हो, किसी न किसी जगह पे कोई छोटा सा सबूत छोड़ ही देता है। पढ़ाई का एक अक्षर तक नहीं आता है तुम्हें, लेकिन कमीनों हत्या करने के बाद तुम लोग गवाह तक नहीं छोड़ रहे थे। हाँ? बता कैसे किया ये सब? आपको पता है साहब, जब मैंने पहली हत्या की थी तब भी पकड़ा गया था। सभी अलर्ट रहो, ओके? हाँ, किसी हाँ, को भी अंदर मत आने हाँ, देना। आगे बंदी कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। ठीक है, ध्यान रखो, रुको रुको। हाँ सर, हाँ चेकिंग चल रही है सर। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? पार्टी से आ रहे, पार्टी। बहुत जल्दी में लग रहे हो। ए, इधर आओ। जी जी, जी लेके जाओ। चलो 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 चलो, साइड में लो, साइड में लो, चलो साइड में लो। नमस्ते सर। ट्रिपल लोड चल रहे थे, चल। ये कौन सा नमूना है? कौन है रे तू? पुलिस। हाँ, क्या हुआ? मैंने क्या गलती की साहब? मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन क्यों लाए हो साहब? बात कर रहा हूँ तो आप मुझे मार रहे हो। मैंने क्या किया वो तो बताओ साहब। मारूंगा नहीं, मार डालूंगा, समझा? चुपचाप जाके बैठ वहाँ पे।
एक तो वैसे ही टेंशन, ऊपर से ये लोग सवार हो गए हैं। ए, जिन गुंडों को पकड़ा था उनका क्या हुआ? सर उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं सर, दो तीन दिन में पकड़ जाएंगे। चेन चोरी करके भागे थे वो भी मिले नहीं है सर, हम किसी तरह पकड़ लेंगे सर। जल्दी करो यार, वो सब तो ठीक है सर, पर आपके चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है सर? टेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा? रेड्डी का मर्डर हुए 4 महीने हो गए, अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला। क्या बताएं सर, मर्डर करने वाले क्लू तक नहीं छोड़ते सर। सही कहा, आजकल क्रिमिनल्स के पास जितनी हिम्मत होती है ना, उससे ज्यादा वो दिमाग इस्तेमाल करते हैं। क्या सर, पुलिस से ज्यादा दिमाग के हैं? क्रिमिनल्स हमसे भी ज्यादा होशियार हो गए हैं, वो कहीं पकड़े नहीं जाएं इसलिए पहले ही प्लान करके रखते हैं। तुम खुद ही देख लो, रेप और खून करके भाग जाना आजकल बहुत आसान हो गया है। वो लोग हाथों में तेल या खून लगा लेते हैं, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स या क्लू मिलने का कोई चांस ही नहीं होता। उस कनकपुरा वाले केस में ही देख लो, एक महिला का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया और कोई भी क्लू हाथ नहीं लगा। अब बताओ, जब पुलिस के हाथ क्लू ही नहीं लगेगा तो किसी क्रिमिनल के ऊपर हम हाथ कैसे डाल सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं उठता। और एक खास बात बताता हूँ, सुनो, अगर हम लोग किसी तरह से उसे पकड़ भी लेते हैं तो सबूतों के अभाव में उसे छोड़ना पड़ जाता है, हम उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पाते। वो रेप और मर्डर करने के बाद छोटी मोटी चोरियां करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं, फिर कुछ दिनों तक जेल के अंदर रह के बाहर निकल के मौज करते हैं, फिर से वही सारा काम करते हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा चालाक हैं, लेकिन सच कहूं तो वो हमसे ज्यादा चालाक है। और अगर हम इन्हें पकड़ के कोर्ट से सजा दिलवा भी देते हैं तो कौन सा इनके पीछे कोई रोने वाला है? ये लोग बस ऐसे ही होते हैं। गुड मॉर्निंग साहब। साहब साहब साहब, मैंने कोई गलती नहीं की साहब, मुझे जाने दो ना साहब, मुझे जाने दो ना। तूने गलती की है या नहीं ये मैं फैसला करूंगा, चुपचाप जाके बैठ वहां पे। एक तो वैसे ही टेंशन, ऊपर से मूड खराब कर रहा है सर। सुबह फोन आया था, वो बंदीपुरा में चोरी हुई थी ना, और हम उन लोगों को ढूंढ रहे थे ना, वो दोनों मिल गए सर। तो फिर इसे क्यों पकड़ा है? भेज दो बाहर। ए, चल उठ जा, चल। अगर दोबारा तू सड़क पर पेड़ से पी के नजर आया तो तुझे चीर करके रख दूंगा। नहीं दिखूंगा सर। जा सर, जा 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 सर, सर चल जा, चल ला, चल जा। तुम पुलिस वालों ने ही ट्रेनिंग देकर इस शेर को पिंजरे से बाहर छोड़ा। देखा ना प्रताप, हमारे ध्यान न देने के कारण कितने सारे निर्दोषों पे जुल्म हुए हैं। हाँ सर, और अगर न्याय करना है तो इनका एनकाउंटर करके खत्म कर देना चाहिए। नहीं प्रताप, कोर्ट में इन्हें शिक्षा दिलाते हैं। आपने बिल्कुल सच कहा, गवाह मैंने बनवाया पर सब केस के लिए नहीं, सही केस को आधार बना के इन्होंने ही ये सारे अपराध किए इसका यकीन करके न्याय के स्थान पर प्रस्तुत करने के लिए मैंने इस केस में गवाह बनवाया, जेवर प्रस्तुत किए, अपनी ताकत से यकीन दिलवाया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि चाहे 100 गुनहगार बच जाए तो भी परवाह नहीं है, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। गुनाह चाहे 1 हो या 100 गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। ये लोग बाहर आके किसी भी निर्दोष पे अन्याय ना करे, ऐसी मेरी सोच है मैडम। रामायण और महाभारत में बुराई को खत्म करने के लिए राम और कृष्ण ने धर्म युद्ध किया था, और ऐसे राक्षसों को सजा दिलवाने के लिए मेरा किया हुआ ये धर्म युद्ध है। मैडम, मुझे किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, ये इन्हें भी पता है और मुझे भी। जब इन्हें गवाह के साथ कोर्ट में पेश करूंगा तो जज साहब इन्हें फांसी की सजा सुनाएंगे। एंड वन मोर थिंग, ये केस मेरी जिंदगी का सबसे खराब अध्याय है। आई हेट दिस स्टोरी।
देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द वर्ल्ड। सच और झूठ सिक्के के दो पहलू होते हैं। शेर के चरित्र के बारे में जो भी शिकारी ने कहा वही सच है, हम यही मानते हैं। जिंदगी में अपराधी बनने वालों का परिपेक्ष मैंने दूसरे भाग में बताया है। आपने अब जो तीसरा भाग देखा है ये पुलिस का परिपेक्ष है। ये सच के क्रिमिनल्स हो सकते हैं या फिर निर्दोष हो सकते हैं। इनको सजा मिल सकती है या फिर निर्दोष होकर बाहर आ सकते हैं। जो हत्याएं हुई हैं इन्होंने ही की होंगी या फिर ये झूठ हो सकता है, पर हत्याएं हुई हैं ये सच है। समाज में ऐसे लोग और कितने हैं ये पता ही नहीं है। जो कुछ भी हो, आपके दरवाजे की घंटी बजते ही दरवाजा खोलने से पहले संभल के रहिए। हे स्वामी नाथ करुणा कर दे।